Hi guys, welcome back to the new vlog. और आज का vlog जो है ना बहुत special होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं जयपुर. ठीक है, मेरे को सुबह 4 बजे ही जाना था जयपुर. सोचा तो निकल जाऊंगा सुबह 4 बजे, बट अभी 7 बज गए यार. मेरी नींद 7 बजे खुली अभी, इतनी लेट. आप प्रतीश भाई, आप भी, आप भी नहीं नींद खुलाया आपने भी? मेरा तो छोड़, तू कैसे उठ गया इतने जल्दी ये बता. अरे 7 बजे है. नहीं दोस्तों, मैं सुबह उठने की कोशिश कर रहा हूँ तो 7 बजे आज उठ गया मैं. अभी निकलते हैं यार यहाँ से, लिटरली बहुत लेट हो गया है. मतलब अभी समझ रहे हो, 7 अभी बज गए यहीं पे. हमें जाते जाते कितना टाइम लगेगा और उसके बाद हमें जाकर के कनिका को भी लेने जाना है. ठीक है, नोएडा. हमें यहाँ से उल्टा जाना पड़ेगा उसको लेने के लिए, फिर वहाँ से आगे निकलना पड़ेगा. तो अभी ऑलरेडी लेट हो जाएगा, 9 बज जाएंगे कहीं पहुँचते मतलब निकलते निकलते. ठीक है, चलो उठते हैं, तैयार हो. उसके साथ तो स्कैम कर दिया इसने, उसको बोला इसने कल के आज रात को ही निकल रहे. अब मैसेज करके बोल रहे हो उसको कि 5 बजे निकलेंगे, फिर 5 बजे भी उसका मैसेज नहीं किया. अरे यार मैं अगर कुछ टाइम बोल देता हूँ ना तो मैं थोड़ा लेट ही हो जाता हूँ. मैं ऑटोमेटिक मतलब मैं तो आज सोच दिया था कि आज उठ जाऊँगा किसी भी तरह 4 बजे, बट क्या करूँ यार, मैं अभी उठ रहा हूँ लिटरली 7 बजे. चलते हैं यार, लेट मत करते, चलो लेट्स गो गाइस. अरे क्या बात है भाई, मुँह साफ किया जा रहा है भाई. वैसे तो नहाता धोता नहीं है, मुँह नहीं धोता आज, खूब लगा रहे. मैं ऐसे ही जाऊँगा, मैं तो ऐसे ही जा रहा हूँ, यही पहन के जा रहा हूँ मैं. कम्फर्टेबल रहेगा ना फिर. अभी ड्राइव भी तो करनी है मेरे को, आप तो चलाओगे नहीं. चलते हैं जल्दी, चलो. ठीक है, और आज के इस ब्लॉग में हम लोग जा रहे हैं जयपुर. ठीक है, 4-5 लोग, जैसे मैं, प्रीतिश भैया और एक और मेरा दोस्त है और अनुश्री. ठीक है, और साथ में कनिका को मैंने बोल दिया था कल, तो कनिका भी तैयार हो गई थी जयपुर जाने के लिए. चलो लेट्स गो गाइस, जयपुर चलते हैं, मिलते हैं वहाँ पे. बहुत सारी चीजें हैं घूमने के लिए, कभी गया नहीं हूँ जयपुर, तो सोचा चलते हैं एक बार घूम के आते हैं. आज सैटरडे संडे है तो मस्त घूम के आते हैं. लेट्स, पीछे कोई बैठ नहीं रहा तो पीछे रख देते हैं सामान. ओके, सामान रख दिया. अभी प्रीतिश भैया लोग आ रहे हैं, वो लोग अपना सामान रख देंगे, फिर हम चलते हैं. आज मेरे को ही ड्राइव करना पड़ेगा क्योंकि प्रीतिश भैया व्लॉग एडिट कर रहे हैं पिछला वाला, अभी तक नहीं किया उन्होंने. एंड यस गाइस, अभी ना बहुत चीजें प्लान कर रहे हैं, लाइक बहुत सारी सरप्राइज तुम लोगों के लिए आएगी. अभी तो मैं जयपुर से आने के बाद कनिका के साथ एक ओमेगल वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद एक कुछ बड़ा सरप्राइज है. ठीक है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, हमें 1 मिलियन का टारगेट रखते हैं, 1 मिलियन सब्सक्राइबर का. 5 लाख तो तुम आज ही करा दोगे अगर चाहोगे तो. प्लीज यार गाइस, तो फटाफट से सब्सक्राइब करके ही जाना. तुम लोग कहां कहां से हो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं जैसी 1 मिलियन हो ना एक छोटा सा मीटअप भी प्लान करेंगे. ठीक है, तो जल्दी से 1 मिलियन करा दो भाई, तो बहुत बहुत कुछ आने वाला है. आगे देखते रहो व्लॉग, बहुत सारी सरप्राइज आएगी. मे बी मैं एक इंटरनेशनल ट्रिप भी शायद प्लान कर रहा हूँ, तो वो भी शायद तुम्हें देखने को मिले. तो प्लीज सब्सक्राइब कर ही लेना, रेगुलर व्लॉग्स आएंगे. ठीक है, तो 1 मिलियन करा दो यार, डेली व्लॉग करते हैं. ये हमेशा लेट है भाई, सबसे पहले इन्हीं को जाना था, रात से हीरो बन रहे थे, सबसे लेट आ रहे भाई. हमें सुबह निकलना था 4-5 बजे और अभी 8 बज गए, कोई नहीं उठ रहा था. मैंने सबको उठाया, ये देखो नींद में ही चल रहे हैं. ओके गाइस, डीजल भर चुका है मस्त, और इन्होंने फ्री में न्यूज़पेपर दिया है भाई, क्या बात है. पहली बार पेट्रोल पंप पे फ्री में न्यूज़पेपर मिला मुझे. चलो डीजल हो चुका है फुल, निकलते हैं अब. ओके गाइस, आ चुका हूँ मैं कनिका के घर पे. अब कनिका को पिक करते हैं यहाँ से, फिर निकल जाएंगे यहाँ जयपुर के लिए. ये रही खड़ी है. हेलो हेलो हेलो, बैठ जाओ. हमारा कब का प्लान था निकलने का? रात का नहीं था, मतलब सुबह 4-5 बजे का था. अच्छा, रात का ही था. आप हमेशा ऐसे ही करते हो, बोलते कुछ और हो फिर एक दिन बाद होता है वो एग्जीक्यूट. पर एक्चुअली क्या है ना सीन की, प्रीतिश भैया सो रहे थे. अच्छा. ये उठ ही नहीं रहे थे, इनको ना व्लॉग एडिट किया ना कुछ किया, बस सो रहे थे. ठीक है, चलो फिर भी कितना 11 बज गए, अभी निकलते हैं हम लोग. मे भी 3-4 बजे तक पहुँच जाएंगे. चलो लेट्स गो. ओके गाइस, अभी 2 बज गए. ठीक है, 2-3 घंटे हम लोगों ने ट्रैवल कर लिया, 3 घंटे है ना अराउंड. हाँ. और अभी कनिका को लग गई है भूख, और मेरे को चाय की तलब लग रही है. तो चाय की तलब लगती है तुम्हें? हाँ. चलो चाय पी लेते हैं, किसी किसी ना किसी चीज की तलब होनी है ना, मुझे चाय की तलब है. किसकी? चाय की, मेरे को लड़की की. साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, जो की है ही नहीं बेचारे के पास. इसीलिए तलब. कितने की चाय है? 40. उनको बोलो मैं बनाती हूँ. 40 की कनिका को दे, मैं बनाती हूँ अभी. तू चाय बनाती है? बहुत अच्छी. और क्या खाओगे? पर आप तो पीते ही नहीं, क्या फायदा. ओके, मेरे छोले भटूरे आ गए, इतने बड़े हैं ना छोले भटूरे. आप क्यों ब्लॉग बना रहे हो? भैया मेरे को देंगे ना, वो भैया मेरे भैया बहुत अच्छे. ये मेरे साथ धोखा हो रहा है दोस्तों, मेरा एडिटर छीना जा रहा है. धोखा तो सही बोला मैंने, सॉरी. नहीं मैं मजाक करती हूँ. ओके गाइस, मस्त खाना पीना हो गया. क्या हुआ? अच्छा, जल गई. हाँ जल गई. हाँ यार, पूरा गाड़ी हीट हो चुका है. बट चलो, ज्यादा जयपुर बचा नहीं है, वो चलते हैं बस, पहुंच जाएंगे. कितना? आधा एक घंटा मैक्सिमम. यस,
एक घंटा लेके चल लो, है ना? अच्छा, एक घंटा बस। तो चलो। मैं तो मस्त सोऊंगी एक घंटा। सोने के लिए आई है तू? तो भाई घूमो यार, घूमो, एंजॉय करो। इसमें क्या घूमूंगी मैं? भाई घूम जो गाड़ी से उधर बैठ के। मैं बता रहा हूँ, तुम पैदल चलो यार, यहाँ पे नंगे पाँव देखो कितना। कितने रुपए दोगे? नहीं यार, तुम्हारे पाँव जल जाएंगे यार, फालतू में। कितना धूप है ना, हैं? कितनी चिंता हो रही है आपको? चिंता मैं सबकी करता हूँ यार। प्रीतिश भैया की क्यों नहीं करते? प्रीतिश भैया यार, आपने ब्लॉग एडिट नहीं किया यार। हाँ तो अभी क्या हुआ कि हम लोग जयपुर निकल रहे थे, तो हमने साथ में स्टोरी डाल दी इंस्टा स्टोरी कि ऐसे बस ऐसे दिखा करके बाहर का, और साथ सेम गाने लगा दिए, तो लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं उसमें कि भाई तुम साथ में घूम रहे हो। मैंने कहा हाँ, अभी आएगी ब्लॉग अगले दिन, ठीक है? तो अभी तो स्टोरी डाल दी बस, तो लोगों को पता चल गया पहले। और दोस्तों कल भी मैंने स्टोरी डाली थी ना, वो हमारे स्कोर बोर्ड की, उसमें भी लोग खुश हो गए थे, वाओ आप दोनों मिले, ब्लॉग कब आएगा, एक्साइटेड हो गए। हाँ, वो वाला ब्लॉग भी कल आ जाएगा, और उसके बाद ये जयपुर सीरीज आता रहेगा अभी, मतलब बढ़िया चलेगा। देखते हैं जयपुर में कितने दिन रहते हैं, क्या करते हैं, अच्छा लगा तो रहेंगे, बाकी ब्लॉग ऐसे बनते रहेगा। मेरा कॉलेज छोड़ दे यार, घूमना कॉलेज भी छोड़ देंगे, इम्पोर्टेंट है यार घूमना। चलो भाई जयपुर चलते, बस अभी आधे एक घंटे में जयपुर पहुंच जाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके फिर हम लोग घूमने चलेंगे। ओके गाइस, फाइनली जयपुर पहुंच चुके हैं हम लोग, और अब थोड़ा होटल वगैरह ढूंढते हैं कहाँ रहना है, उसके बाद फिर कहीं घूमने निकलेंगे, और टाइम से पहले पहुंच गए, सबसे अच्छी बात तो ये है। 3:30 बजे, बट ठीक है, थोड़ा तो पहले पहुंच गए, क्योंकि पहले जिस हिसाब से हम लेट निकले थे ना, उस हिसाब से हमें लग नहीं रहा था कि हम पहुँच पाएंगे, बट टाइम पर पहुँच गए। चलो ओके गाइस, फाइनली हमने कर दिया गाड़ी पार्क और मिल गया हमें होटल, ठीक है? ओके गाइस, तो ये हमारा रूम, बढ़िया है, ठीक ठाक रूम है, नॉट सो गुड। बाकी ये दो रूम है कनेक्टेड है, ऐसे ये रहा एक, ये रहा दो। Eventually. Okay guys, so अभी हम लोग ना तैयार होके निकले, और रात हो गई भाई अभी इतनी जल्दी, क्योंकि लेट ही पहुंचे थे। तो अभी चलते पहले डिनर कर लेते हैं, फिर कहीं देखते हैं घूमने जाने का प्लान। कनिका देवरानी ने। अच्छा जी, तो दोस्तों मेरे अंदर एक टैलेंट है, 5 मिनट क्या 2 मिनट में तैयार हो जाती हूँ। अच्छा क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि यू नो आउट ऑफ सिलेबस आ गया ये तो। ये क्वेश्चन चलो क्यों है, क्योंकि मैं सुबह नहा चुकी थी, मुझे कुछ नहीं करना था, मैंने बाल बनाए, लिप बाम लगाया, अच्छा चलो फिर अभी डिनर करके आते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ घूमने जाना। दोस्तों मुझे घर में बैठ के एडिट करना था, बट ये मेरे को जबरदस्ती ले जा रहे हैं किसी रिट्रीट ड्रिंक एंड जाइन नाम के रेस्टोरेंट में, मेरे से बोले भी नहीं जा रही इतनी इंग्लिश। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं, इतनी इंग्लिश भैया को अटेंशन चाहिए, इसलिए भैया ने पहले नखरे करे, भैया ने पहले नखरे करे, मैं नहीं आ रहा, ताकि सब लोग आके उनको बोले कि प्लीज चलो भैया। हम ये तो पुनी सुपरस्टार बन गई भाई, भाई वो देखो वो रहा रेस्टोरेंट हमारा, ये जाने का रास्ता है यहाँ पर से, छोटी मोटी जगह ले आते हैं, कोई बात नहीं, अब ये छोटे मोटे लोगों के साथ आया तो छोटी मोटी जगह ही जाने को मिलेगा मुझे। गाइस देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, मांगी हुई शर्ट। अरे यार मांगी हुई शर्ट, कोई बात नहीं, तेल ले है, रख ले तू, जा दी तुझे मेरी तरफ से तेल गिफ्ट। ओके गाइस, तो हमारा डिनर विनर हो गया है, ठीक है? अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, और अभी सोच रहे हैं कि थोड़ा सा इधर उधर घूम लें, तो और मुझे चाय पीनी है, हर 2 मिनट पे इसको चाय पीनी होती है, तो अभी हम लोग शायद हवा महल जा रहे हैं। हवा महल तो हाँ, देखते हैं अभी रात में जहाँ जा रहे हैं और चाय पीने जा रहे हैं, तो जहाँ जहाँ हो सकता है घूम लेते हैं अभी, उसके बाद फिर आज रेस्ट कर लेते हैं, फिर कल से घूमेंगे और ज्यादा, ठीक है? कल तो आखिरी दिन है यार, कल घूमेंगे। यस, बाकी प्रदेश भैया अभी ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि मैं थक गया हूँ यार, मैंने अभी 1 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। एसी चला दो यार, प्रतिष्ठा बहुत गर्मी हो गई यहाँ पे ना, बहुत गर्मी है दोस्तों, यहाँ पे रात को भी ठंडा नहीं है यार। सही बात है, बहुत तगड़ी गर्मी हो रही है, पसीना पसीना वाली। बाकी बढ़िया वाइब है, बट गर्मी थोड़ी निकाल दे किधर अच्छी जगह टर्न करना। चलो ओके गाइस, हम लोग आ चुके हैं हवा महल के पास, ठीक है? ये बड़ा सुंदर लग रहा है देखने में रात में भी, यार यार सीसे डाउन करना यार। कनिका तेरे को ना हवा महल नहीं घूमने आना चाहिए, पता है क्यों? क्यों उड़ जाएगी? क्योंकि फिर सब हवा महल छोड़ के तेरे को देख जोक करता रहता हूँ मैं। थैंक यू दोस्तों, ऐसे जोक करता रहता हूँ मैं। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं हवा महल घूमने के लिए, ये देख यहाँ से मस्त आ रहा है पूरा आगे। ओके गाइस, हमने घूम लिया हवा महल, ठीक है?
अब चलते हैं आगे, अभी देखते हैं क्या प्लान है। प्रीतिश भैया और कहीं घुमा रहे हो क्या आप? हाँ देखते हैं अभी अगर कोई और भी जगह खुली होगी, क्योंकि रात के 11 बज गए हैं तो पता नहीं क्या खुला होगा, बट देखते हैं अभी अगर कुछ खुला होगा तो हम लोग जाएंगे घूमने, बाकी नहीं तो होटल पे चले जाएंगे। उससे पहले चाय चाय। तो आई होप कि तुम्हें आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो आप आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो पे कर दो फटाफट के, और एटलीस्ट भाई तुम 50 के लाइक तो कर ही दोगे। बाकी मिलते हैं तुमसे, लेट्स गो। रूम देख लिया तुमने? मैं वो हो गया कंबल कर गया। रूम तो मैंने देख लिया, मैं रूम इस्तेमाल करके भी आ गई। टॉयलेट इस्तेमाल कर, इसको ना हर जगह सुसु आ जाती है। पॉटी आ गई थी इस बार यार। अरे अच्छी यार, लड़कियां पॉटी करती हैं क्या? सुंदर लड़कियां नहीं करती ना। नहीं करती भाई, तो हम फूल बरसाते हैं। सुंदर लड़की फूल, इसने क्या बोला? फूल बरसाते हैं।